उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपके आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी और इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको लेकर के छात्रों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ होता है, वो है एक वर्षीय, दो वर्षीय या चार वर्षीय बीएड का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से कहाँ लागू है और कैसे आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वर्षीय बीएड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरी थी छात्रों की, तो उसको भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरी बात यह है कि फ्री में बीएड कैसे करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि इतनी ज़्यादा फीस को वो जो है दे सकें, तो फ्री में बीएड करने के लिए मैं आपको जो है कुछ तरीके बताऊंगा जिनको आप जो है लागू कर करके लाभ उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि स्कॉलरशिप सभी को मिलती है या किसको मिलती है या कैसे आपको मिलती है। साथ ही साथ डीएलएड, बीटीसी या बीएड के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा कोर्स बेहतर है, किस प्रकार के टीचिंग वैकेंसीज के लिए कौन सा कोर्स जो है मान्य किया जाता है। दोस्तों ये जो है यहाँ पर साधारण तौर से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है और आप सभी लोगों ने हमें जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके लिए आपका धन्यवाद है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की कंडीशंस फिलहाल की पोजीशन में नहीं है कि हम जो है डिजिटल बोर्ड या उस तरीके का यहाँ पर लागू कर सकें। तो आप जो है बेहतर यही होगा कि बात को समझें और देखें। तो आवेदन की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए जो आमतौर पर आवेदन थे वो फरवरी में निकल जाते थे, लेकिन इस बार जो है जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से खबर है कि इस बार भी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ही इसका एग्जाम्स कराएगी और इसके लिए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है तो मार्च में आपके जो है फॉर्म निकल सकते हैं, मार्च के आपके फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। मार्च में इसके लिए फॉर्म निकलेंगे, आपको 20-22 दिन का समय दिया जाएगा। फॉर्म के लिए जो फीस होती है वो आपकी यहाँ पर जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये होती है और फॉर्म की जो आपकी फीस है ये 1500 रुपये है। हालांकि इसमें पहले जो है कहा गया था कि आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो देखते हैं और इस बार की जो नोटिफिकेशन है उससे स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जाम्स आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो फीस 1500 रुपये है। SC या ST या अन्य जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस जो है यहाँ पर OBC और UR के लिए जो फीस है वो 1500 रुपये है, इसमें EWS भी आपका शामिल है। बाकी इनके लिए जो फीस है वो हाफ होती है, 750 रुपये SC या ST कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो फीस है, और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर एक वर्ष से BEd की। तो एक वर्ष से BEd जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP में एक वर्ष से BEd का जो है उल्लेख किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में एक वर्षीय बीएड का उल्लेख किया गया था कि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो उसमें एक वर्षीय बीएड का भी कोर्स जो है यहाँ पर मान्य किया जाएगा और तमाम संस्थान, तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो है इस कोर्स को कराने के लिए मान्यता प्राप्त अपना डिग्री देंगे। तो यहाँ से फिलहाल की कंडीशन में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि 2022 में ये कोर्स जो है कहीं भी लागू नहीं है, चाहे आपका देश का कोई सा भी राज्य हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी फिलहाल की कंडीशन में लागू नहीं की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कोर्स है वो दो वर्षीय बीएड है, तो इसी के लिए जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकाला जाता है। तो दो वर्षीय बीएड को ही आप जो है फिलहाल की कंडीशन में करने का प्रयास करें। चार वर्षीय बीएड की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, UG प्लस BEd, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक वर्ष बच जाता है। तो ये भी जो है वैसे तो ज़्यादातर कोर्सेज में इसको मान्यता दी जाती है ज़्यादातर वैकेंसीज में, लेकिन कुछ पोस्ट रह जाती हैं, लगभग 15-20% पोस्ट जो आपकी टीचिंग से अलग क्षेत्र में निकाली जाती हैं, चाहे PCS के हो या ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर के हो, तो उनमें क्या है कि ये चार वर्षीय BEd को कम मात्रा में मान्य किया जाता है, अर्थात नहीं किया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत उन लोगों के लिए यही है। तो एक वर्ष तो बच जाता है, यदि आपको विशेष रूप से टीचिंग में ही जाना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये कुछ विशेष कॉलेजों में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा UP के अंदर, जिसको इंटीग्रेटेड BEd के नाम से जाना जाता है। BA BEd, BSc BEd, उस तरीके से ये होता है, ग्रेजुएशन प्लस BEd। फ्री में BEd कैसे करें, तो फ्री में BEd करने की दो कंडीशंस है।
एक तो है आपके पास यहाँ पर, यदि आप जो है गवर्नमेंट शिफ्ट में आपको जो है सिलेक्शंस ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट शिफ्ट से जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी मामूली सी फीस होती है वो किसी कॉलेज में 500 रुपये है, किसी कॉलेज में 1500 रुपये है, किसी कॉलेज में 4 या 5 हज़ार रुपये है। तो 5 हज़ार से ज़्यादा फीस नहीं है एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये फीस आप एक तरीके से मान सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में आपकी बीएड हो जाती है। और उससे ज़्यादा यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो स्कॉलरशिप आपकी आती है जितनी आपने फीस जमा की है प्लस में आपको 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं वो स्कॉलरशिप के तौर पर, तो आपकी जो रिकवरी है वो फीस से भी ज़्यादा आपकी हो जाती है। दूसरी कंडीशन में ये है कि एससी या एसटी कैंडिडेट्स है या आप जो हैं इनमें आपकी जो परसेंटेज है वो 50% से अधिक है, यानी कि 50% से अधिक है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के जो चांसेज हैं वो 100% रहते हैं। जिनके 50% से कम है उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इनके 100% चांसेज होते हैं यदि आपके 50% से अधिक अंक हैं और आप एससी या एसटी में हैं। तो ये जो 50% से ज़्यादा अंक वाले हैं इन लोगों के लिए जो है बीएड में फ्री में एडमिशन देते हैं कुछ कॉलेज, तो उन कॉलेजों की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और एडमिशन की प्रोसेस में यदि आप जो हैं यूआर या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो परसेंटेज है चाहे वो 50% हो या कम हो तो आपको जो है यहाँ पर जो है 25 से 30 हज़ार रुपये में आपकी जो है बीएड आपकी हो जाती है। इतनी छूट जो है कुछ कॉलेज दे देते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, आपको इच्छा हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपका एडमिशन भी करा दिया जाएगा। छात्रवृत्ति की बात की जाए तो छात्रवृत्ति देखिएगा उन सभी कैंडिडेट्स को मिलती है जिनकी परसेंटेज जो है 50% से अधिक है। यदि आपकी परसेंटेज 50% से अधिक है ग्रेजुएशन में तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, और चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये मिलती है आपको लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच, और आपकी जो फीस होती है वो लगभग 52 हज़ार रुपये होती है प्रथम वर्ष की। तो यहाँ से ये जो कॉलेज एडमिशन देते हैं फ्री वाले वो क्या करते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप को कॉलेज स्वयं रख लेते हैं। होते हैं जिनमें आपकी फीस कम ली जाती है उसमें भी वे कुछ बाउंडेशन रख देते हैं स्कॉलरशिप की, तो वो आपको स्पष्टीकरण करके ही इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी मिलेगी, तो उसके बारे में आपको कॉलेज बताएगा। यहाँ से बात करें कि डीएलएड या बीटीसी करें या बीएड, तो देखिएगा फिलहाल की कंडीशन में जो है बीएड यहाँ पर सभी प्रकार की टीचिंग के लिए अलाउ है, प्राइमरी टीचर हो, जूनियर टीचर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अन्य प्रकार की विभाग में जो शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई वैकेंसी निकलती है उनमें बीएड मांगा जाता है। डीएलएड को केवल जो है प्राइमरी और जूनियर स्तर के लिए ही मान्य किया जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि बीएड फिलहाल की कंडीशन में बेहतर है। तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपको एंट्रेंस की तैयारी जो है मुफ्त में कराई जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।